गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन को प्रोनाउन को तो हम डिस्कस कर चुके थे कि प्रोनाउन क्या होते हैं प्रोनाउन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं और पर्सनल प्रोनाउन क्या होंगे पर्सनल प्रोनाउन मतलब कि वो प्रोनाउन जो हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं वो प्रोनाउन क्या होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं फॉर एग्जाम्पल आई वी यू दे ही शी इट ये हमारे सारे क्या हैं ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं अब बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती पर्सनल प्रोनाउन आगे थ्री डिफरेंट वेज में डिवाइड हुआ हुआ है इन थ्री डिफरेंट वेज पर्सनल प्रोनाउंस आर डिवाइड एंड द फर्स्ट वे इज थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन एंड द सेकेंड इज टू टाइप्स ऑफ फॉर्म थर्ड इज़ थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन अब देखें पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए हमें ये थ्री डिफरेंट वेज को समझना जरूरी है अब पर्सनल प्रोनाउन है पर्सन के बारे में वो प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज होते हैं जो पर्सन के लिए यूज होते हैं तो वो क्या होंगे वो पर्सनल प्रोनाउन होंगे अब पर्सन तो हैं लेकिन तीन तरह के पर्सन हैं थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन है टू टाइप्स ऑफ फॉर्म है और थ्री इसकी खुद की टाइप्स हैं पर्सनल प्रोनाउन की सबसे पहले पढ़ते हैं थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन को कि आखिर वो कौन से पर्सन होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन में यूज़ होते हैं ओके okay, तो गाइस आते हैं टॉपिक की तरफ इन पर्सनल प्रोनाउंस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन रिप्रेजेंट्स द पर्सन स्पीकिंग फर्स्ट पर्सन क्या रिप्रेजेंट करता है उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जो बात कर रहा होता है फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कन्वे कर रहा होता है जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है ओके okay. उनमें कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं आई एंड वी ओके सेकेंड पर्सन सेकेंड पर्सन रिप्रेजेंट्स द पर्सन हु इज लिसनिंग फर्स्ट पर्सन कौन था जो बोल रहा होता था सेकंड पर्सन वो है जिसके साथ फर्स्ट पर्सन अपनी बात कर रहा होता है जो फर्स्ट पर्सन की बात सुन रहा होता है सुनने वाला क्या होता है सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही प्रोनाउन है वो है यू ओके okay, तो गाइस आते हैं थर्ड पर्सन की तरफ थर्ड पर्सन फर्स्ट में क्या था जो बात कर रहा होता था जो बोल रहा होता था सेकंड था जो सुन रहा होता था अब थर्ड कौन सा है थर्ड वो है जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा होता था थर्ड पर्सन रिप्रेजेंट्स द पर्सन और थिंग अदर देन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन ओके वही बात है थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन्स आ जाते हैं वो है दे ही शी इट ओके तो गाइज हमने ये तो पढ़ लिया कि कितने टाइप्स कितनी टाइप्स थी पर्सन की अब हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सी फॉर्म्स हैं पर्सनल प्रोनाउन में देर आर टू फॉर्म्स इन पर्सनल प्रोनाउंस सिंगुलर एंड प्लूरल देखिए सिंगल सिंगुलर और प्लूरल का तो हर किसी को ही पता होगा लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ सिंगल वो जब हम किसी एक चीज़ की बात कर रहे होते हैं तो वो सिंगल होती है जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं तो वो प्लूरल होती हैं सिंपल ओके okay. देख लिया हमने कि फॉर्म्स कौन कौन सी थी ये भी देख लिया कि कौन से कौन कौन से पर्सन थे अब देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं ये हमारा लास्ट वे है थ्री डिफरेंट वेज थे ये लास्ट है देयर आर थ्री टाइप्स इन पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में तीन मुख्तलिफ तरह की एक्साम है फर्स्ट क्या है फर्स्ट है सब्जेक्टिव सेकेंड इज द प्रोजेसिव एंड द लास्ट इज़ ऑब्जेक्टिव सबसे पहले पढ़ते हैं सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव यूज फॉर सब्जेक्ट्स सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं और सब्जेक्ट क्या होते हैं सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है काम करने वाला सब्जेक्ट होता है ओके okay, इसके अंदर आते हैं आई वई ही शी ते ओके अब आते हैं पोजैसिव की तरफ पोजैसिव यूज टू शो ऑनरशिप अब पोजेसिव क्या है ये अपनी मलकियत जाहिर करवाता है मतलब कि ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें ये जाहिर होता है कि ये बंदा अपनी मलकियत को जाहिर कर रहा है इस चीज़ को लेकर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर था आई लेकिन अब इसको मैं पोजेसिव वे में बोलूँगी तो आई को बोलूँगी माई या फिर माइन वी को बोलूँगी आवर या फिर आर्स आवर our या फिर आवर्स ही ही हो जाएगा पोजेसिव वे में हीज शी हो जाएगा हर या फिर हर्स एंड दे हो जाएगा देयर या फिर देअर्स ओके okay, तो अब आते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ सब्जेक्ट क्या था जो काम कर रहा होता था वो सब्जेक्ट होता था और ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है ऑब्जेक्टिव यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स जिस पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ओके okay, ऑब्जेक्ट में क्या होता है ऑब्जेक्ट में है मी अस हिम हर दैम आई था सब्जेक्टिव में लेकिन जब इन ऑब्जेक्टिव केस वो क्या हो जाएगा मी हो जाएगा वी अस हो जाएगा ही हिम हो जाएगा शी हर हो जाएगा और दे देम हो जाएगा ओके तो गाइस हमने थ्री डिफरेंट वेज को डिस्कस कर लिया है कि वो कौन कौन सी थी अब एक टेबल के साथ समझते हैं इन सारी चीज़ों को ओके तो गाइस फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन कौन था जो बोल रहा होता था जो बात कर रहा होता था वो फर्स्ट पर्सन होता था और फर्स्ट पर्सन के अंदर हमने पढ़ा था कि सिर्फ दो ही प्रोनाउन होते हैं एक होता है आई और एक होता है वी अब आई क्या है आई है सिंगुलर और वी है प्लूरल बिकॉज वी कवर कर लेता है काफ़ी सारे लोगों को जब काफ़ी सारे लोगों की बात हो रही होती है हमारे साथ और भी लोग शामिल होते हैं तो हम वी यूज़ करते हैं और जब हम खुद की बात करते हैं तो वो आई होता है तो हम मतलब के मतलब कि सिंगल चीज़ के बारे में बात हो रही होती है इन सब्जेक्टिव केस आई जो होगा वो आई ही रहेगा और we वही ही रहेगा एंड इन पोजेसिव केस आई क्या हो जाएगा माई हो जाएगा और या फिर माइन हो जाएगा इन possessive केस we बिकम्स आवर या फिर आवर्स इन ऑब्जेक्टिव केस आई क्या हो जाएगा मी हो जाएगा और वही अस हो जाएगा तो ओके okay गाइज अब हम इनको एक सब सेंटेंस uh, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगुलर फॉर्म में मैं कहती हूँ आई एम अ गुड गर्ल अब देखें ये क्या है यहाँ पर सिर्फ मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ खुद के बारे में बात कर रही हूँ मेरे साथ और कोई नहीं है मैं आई यूज़ कर रही हूँ तो ये क्या है ये सिंगुलर फॉर्म है पर्सनल प्रोनाउन की ओके वो आर टीम ऑफ क्रिकेट अब देखें यहाँ पर आय था मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रही थी बट यहाँ पर टीम की बात हो रही है और टीम ने कवर किया हुआ है काफ़ी सारे लोगों को मतलब कि क्रिकेट टीम है यानी कि टीम में काफ़ी सारे लोग हैं टीम होती ही काफ़ी सारे लोगों की है ओके तो प्लूरल फॉर्म है यहाँ पर आई यूज़ नहीं करूँगी यहाँ पर वी यूज़ करूंगी तो ये क्या है पर्सनल प्रोनाउन की प्लूरल फॉर्म है ओके तो गाइज अब आते हैं सेकेंड पर्सन की तरफ सेकेंड पर्सन में क्या था फर्स्ट पर्सन में जस्ट टू प्रोनाउंस थे आई और सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही होता है पर्सनल प्रोनाउन और वो है यू सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यू यू ही रहेगा चाहे वो सिंगल हो या फिर प्लूरल हो ओके इन सब्जेक्टिव केस यू यू रहेगा इन पोजेसिव केस यू यूर हो जाएगा या फिर यूर्स हो जाएगा और इन ऑब्जेक्टिव केस इन ऑब्जेक्टिव केस भी यू यू ही रहेगा ओके okay, तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं सेंटेंस एग्जाम्पल इक कुकिंग यू लाइक कुकिंग मतलब कि तुम्हें कुकिंग पसंद है तुम्हें कुकिंग करना पसंद है तो मतलब मैं एक तुम्हें यानी कि तुम एक की बात कर रही हूं तब भी मैं यू यूज करूंगी और जब मैं इन प्लूरल फॉर्म बात करूंगी यू ऑल आर ग्रेट स्टूडेंट्स अब देखिए स्टूडेंट्स काफी सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है ऑल यहाँ पर शो हो रहा है कि सबकी बात हो रही है बेशक मैं प्लूरल फॉर्म में बात कर रही हूं लेकिन तब भी मैंने यू ही यूज किया है चाहे चाहे बात सिंगुलर फॉर्म में हो या फिर प्लूरल फॉर्म में हो यू यू ही रहेगा ओके तो गाइज अब आते हैं थर्ड पर्सन की तरफ थर्ड पर्सन में क्या था थर्ड पर्सन वो थे जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन बात कर रहा होता था सेकेंड पर्सन से अब देखें सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म में क्या है ही शी इट ही मतलब कि किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है शी किसी एक लड़की के बारे में इट इट भी किसी एक चीज़ के बारे में अब देखें जब काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात होगी तो वो होगा दे काफ़ी सारे लोगों के बारे में बात होगी सॉरी चीज़ों बोल दिया मैंने काफ़ी सारे लोगों के बारे में बात होगी तब क्या वर्ड यूज़ होगा तब प्रोनाउन यूज़ होगा दे तो ये क्या है ये प्लूरल है सब्जेक्टिव केस ही शी इट दे दे ही रहेगा he, she, it, ही शी इट यही रहेंगे पोजेसिव केस में ही हिज होगा शी हर होगा या फिर हर्ज होगा और पोजेसिव केस इन प्लूरल फॉर्म दे, दे देर हो जाएगा या फिर देर्स हो जाएगा इसी तरह ऑब्जेक्टिव में क्या होगा ही हिम हो जाएगा यहाँ पर हिज था पोजेसिव पोजेसिव केस में हिज था बट इन ऑब्जेक्टिव केस ही हिम हो गया है शी हर इट इट ही रहेगा इट इट ही रहता है ओके ऑब्जेक्टिव केस इन ऑब्जेक्टिव केस दे क्या हो जाएगा दैम हो जाएगा सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिंगुलर फॉर्म में बात कर रही हूँ ही रीड बुक्स रेगुलरली वो किता रोज़ किताबें पढ़ता है रोज़ाना बाकायदगी से किताबें पढ़ता है तो मतलब कि वो मैं एक की बात कर रही हूँ एक लड़के की बात कर रही हूँ ही लगाया है मैंने यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में जिस ही क्या है यहाँ पर ही यहाँ पर है सब्जेक्टिव केस ओके इन प्लूरल फॉर्म जब मैं काफ़ी सारे लोगों की बात करूँगी तो मैं लगाऊंगी दे इन सब्जेक्टिव केस यहां पर दे लगेगा दे रीड बुक्स रेगुलरली वो रोज किताबें पढ़ते हैं या फिर वो बाकायदगी से किताबें पढ़ते हैं तो फॉर्म में क्या होगा थर्ड पर्सन में जस्ट दे होगा और यहां पर क्या है ये सब्जेक्टिव केस ही होगा शी होगा या फिर इट होगा अब आप लोग सोच रहे होंगे सोच रहे होंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन में इट क्या कर रहा है इट तो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन हाँ बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन वो चीज़ें मतलब कि इंसानों के लिए तब यूज़ हो सकता है जब हमें किसी का जेंडर ना पता हो यानी कि बच्चों के लिए इट हम यूज़ कर सकते हैं या फिर जानवरों के लिए भी हम इट यूज़ कर सकते हैं ओके तो गाइस ये था आज की हमारी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है ब्रीफली हमने डिस्कस किया है गाइस uh, अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आपको जवाब दिया जाएगा गाइस एंड इन द एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन